हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। किती ऍक्टिव आहे ग रोहन, शाळेत जायला लागला ना म्हणून तर ऍक्टिव्ह झालाय। रोज लँड मध्ये जातो, राहुलला पण तिथेच पाठव। 50 वर्षांची परंपरा आहे, शाळा मध्यवर्ती ठिकाणी आहे, वातावरण चांगलं आहे, भरपूर ऍक्टिव्हिटीज आणि पब्लिक स्पीकिंग शिकवतात। नर्सरी ते 10वी पर्यंत ऍडमिशन सुरू आहेत, आजच जाऊन भेट। मिसेस डी एस खिमानी यांनी साकारलेले रोज लँड इंग्लिश मीडियम हायस्कूल, 238 ख्वाजमिया रोड, जळगाव। मिसेस डी एस खिमानी यांनी साकारलेले रोज लँड इंग्लिश मीडियम हायस्कूल। गई 2 मई को सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की लापरवाही सामने आई थी, जिसके तहत 2 नवजात शिशुओं को अपने माता पिता से अलग रहना पड़ा था। दरअसल सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक ही दिन एक ही समय 2 माओं ने अपने बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें एक लड़का था और एक लड़की। नर्स और डॉक्टर की गलती की वजह से यह कन्फ्यूजन हो गया था कि लड़का किसका है और लड़की किसकी। जब बात बाहर आई तो फिर हंगामा हुआ और आखिरकार डीएनए टेस्ट करने का तय किया गया। अब मंगलवार को डीएनए जांच की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद असली माँ बाप के पास असली बच्चे सौंप दिए गए हैं। इस तरह की गलती कभी कभी होती है, लेकिन जब होती है तो बड़ी परेशानी साथ में लेके आती है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को परेशानी तो हो ही रही थी, माँ बाप भी परेशान और कंफ्यूज थे कि मेरा बच्चा कौन सा है। लेकिन अब डीएनए रिपोर्ट के बाद सब कुछ सामान्य हो गया है और सब खुश भी हैं। जलगांव से जकी अहमद के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास, रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।